हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जब सभी के साथ एक वेजिटेरियन बिरयानी रेसिपी शेयर करूंगी, चिक पीस बिरयानी यानी कि छोले बिरयानी। इस बिरयानी को बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल बिरयानी है ये। इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी इस बिरयानी को आसानी से बना सकते हैं। और इस बिरयानी का टेस्ट बहुत ही यम्मी होता है, बहुत ही डिलीशियस होता है। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए इस इजी और सिंपल यम्मी बिरयानी को कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। अगर राइस बनाएंगे तो उसके लिए एक हांडी में मैंने ज़्यादा करके पानी ले लिया है। पानी में मसाला ऐड करेंगे तो यह मैंने एक इलायची, एक दालचीनी, 4 से 5 लौंग और 2 तेज़पत्ता लिया है, ये पानी में ऐड कर देंगे। राइस बनाने का टाइम हमेशा ज़्यादा करके पानी लेना चाहिए। अब नमक ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। अब एक लेमन स्लाइस को निचोड़ के देंगे और स्लाइस को भी पानी में रख देंगे। अब हांडी को कवर करके रखेंगे जब तक बहुत ही अच्छे से उबल नहीं आ जाता। तो देखिए, आप देख सकते हैं पानी में बहुत ही अच्छे से उबल आ चुकी है। अब सूख किया हुआ राइस ऐड कर देंगे। तो यह मैंने 500 ग्राम बासमती राइस लिया है और इसे अच्छे से धो के आधा घंटे के लिए सोख करके रखी थी। अब ये ऐड कर देंगे। आप कुछ भी राइस ले सकते हैं, आपके पास जो राइस अवेलेबल है। एक बार स्पून से स्टार कर देंगे, फिर हांडी को कवर करके रखेंगे जब तक अच्छा उबल नहीं आ जाता, और हाई फ्लेम में राइस को बनाएंगे। तो देखिए, राइस में बहुत ही अच्छे से उबल आ चुकी है। तो राइस को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, राइस बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे टेक्सचर मुझे चाहिए वैसे ही है। बिरयानी का राइस बहुत ही सॉफ्ट नहीं करना है, बहुत ही हार्ड भी नहीं रखना है। आप इसे स्ट्रेन कर लेंगे। यह मैंने 2 मीडियम साइज आलू इस तरह से कट कर लिया है। अब आलू के ऊपर येलो फूड कलर थोड़ा सा देंगे और नमक देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस आलू को हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने गरम कर लिया है, अब आलू ऐड कर देंगे। अब अच्छे से मिक्स करके पैन को कवर करके लो फ्लेम में रखेंगे। लो फ्लेम में हम आलू को फ्राई करेंगे, उससे क्या होगा, आलू भी सॉफ्ट हो जाएगा और फ्राई भी हो जाएगा, क्योंकि बिरयानी का आलू हमें सॉफ्ट ही चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हम ढक्कन के साथ इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जब लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा तब हम इसे पैन से निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम बेरस्ता भी कर लेंगे। तो सबसे पहले गरम तेल में 3 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। अब 3 इलायची, 3 से 4 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 1 टीस्पून कबाब चीनी, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 छोटा टुकड़ा मेस यानी कि जावित्री ऐड करके मसाला को अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक, या फिर तब तक जब तक आपको ना लगे मसाला से खुशबू बाहर आ रहा है तब तक। तो मसाला फ्राई हो जाने के बाद 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी हल्का फ्राई कर लेंगे। अब 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट यानी कि ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी हल्का फ्राई कर लेंगे। अब 2 मीडियम साइज टमाटर स्लाइस किया हुआ ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक टमाटर को जल्दी से सॉफ्ट होने के लिए हेल्प करेगा। तो आप टमाटर को भी बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे मसाला के साथ जब तक टमाटर पूरा गल नहीं जाता। देखिए, टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें ड्राई मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर,
2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, अब 1/2 कप दही फेट के ऐड करेंगे। अब मसाला को बहुत ही अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाला से ऑयल अलग नहीं हो जाता, और हाई फ्लेम में कंटिन्यूअसली इसे भूनेंगे, नहीं तो दही फट सकता है। अब साथ ही हम कुछ फ्राइड अनियन यानी कि बेरिस्ता ऐड कर देंगे। अब फिर से सब कुछ अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से भून चुकी है और मसाला से ऑयल बिल्कुल अलग भी हो गया है। तो अब हम इसमें चिक पीस यानी कि छोले ऐड करेंगे। तो देखिए, यह मैंने इस छोले को ओवरनाइट सोक करने के बाद पानी और नमक के साथ उबल के रखी थी। तो यह मैंने 1 कप छोले लिया है, अब इस छोले को ऐड कर देंगे। अब छोले को भी मसाला के साथ 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो 1 मिनट तक चिक पीस को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें चॉप किया हुआ धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और कुछ पुदीना के पत्ते ऐड करेंगे, फिर से भूनेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो आप थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी, तो आप पहले चेक करें, चेक करने के बाद आप अगर चाहिए तो नमक ऐड करें। अब 1 या 2 टीस्पून चीनी ऐड कर देंगे। फिर से अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके पैन को कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट्स के लिए इसे रख देंगे। फाइव मिनट्स बाद बिरयानी मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। रोज़ वाटर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और कैवरा वाटर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब सब कुछ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से पैन को कवर करके लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो देखिए, 4 से 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी है। आप गैस बंद कर देंगे। तो देखिए, ये है फ्राइड अनियन यानी कि बेरिस्ता। आप इसमें 1/2 टीस्पून साजीरा यानी कि काला जीरा ऐड करेंगे, 2 to 3 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। अब 1 टीस्पून बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे। मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है। अब इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे थोड़ा सा, और मिक्स करके इसे भी हम साइड में रख देंगे। तो आप बिरयानी को दम पे देने के लिए रेडी करेंगे। तो सबसे पहले कुक्ड छोले के ऊपर फ्राइड आलू रखेंगे। आलू ऑप्शनल है, अगर आपको आलू बिरयानी में पसंद है तो आप आलू ऐड करें, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हो। अब फ्राइड अनियन यानी कि बेरिस्ता ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा ही करेंगे। ऊपर 1/2 राइस रखेंगे। फिर से थोड़ा सा बेरिस्ता स्प्रिंकल करेंगे।
अब बाकी जितना राइस है सब ऊपर दे देंगे। तो देखिए इस तरह से राइस को लेवल कर देंगे। अब ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। आप घी ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपना टेस्ट के अनुसार, या अगर आपको घी ऐड नहीं करना है तो फ्राइड अनियन यानी कि बेरिस्ता का जो तेल होता है वो तेल आप थोड़ा सा उठा के रख सकते हो ऊपर लास्ट में देने के लिए, उससे भी टेस्टी होता है। अब ऊपर फूड कलर देंगे, येलो फूड कलर। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर देंगे और बाकी का जितना बेरेस्ता है पूरा ऊपर दे देंगे। हरी मिर्च को स्लिट करके ऊपर रखेंगे 3 से 4। फिर पैन को कवर करके दम पे रख देंगे, जिस तरह से बिरयानी दम पे रखते हैं तावा के ऊपर, तावा गरम करके तावा के ऊपर लो फ्लेम में उसी प्रोसेस में देंगे आधा घंटे के लिए। तो अभी 20 मिनट्स के लिए रखेंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ क्या करना है। तो 20 मिनट्स के बाद एक बार अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर देंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ना भी मिक्स कर सकते हो। मिक्स करने के बाद फिर से पैन को कवर करके 10 से 15 मिनट्स के लिए सेम प्रोसेस में दम पे रख देंगे, या फिर तब तक रखना है जब तक आपको ना लगे कि बिरयानी अच्छे से दम हो गए हैं। तो बिरयानी अच्छे से दम हो गए हैं, आप इसे सर्व कर देंगे। आप इस बिरयानी को रायता के साथ, सलाद के साथ, या फिर फ्रेश टोमेटो चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। फ्रेश टोमेटो चटनी का रेसिपी आपको मेरी चैनल में मिल जाएगा, आप सर्च करके देख सकते हो। देखिए इस बिरयानी दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी है, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस बनता है। और बनाना भी देखा ना आपने, बहुत ही इजी है, सिंपल रेसिपी है, कोई भी बना सकता है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना, इंशाल्लाह सभी को ज़रूर पसंद आएगी। एक पीस बिरयानी या छोले बिरयानी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।